अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस कंट्रोलर का रिव्यू करेंगे। ये है ओमरॉन का कंट्रोलर E5CC। अच्छा, अब देखते हैं इसकी डायग्राम को। इसकी डायग्राम है ये ओमरॉन, इस पर लिखा हुआ है E5। ये देखिए, इसका मॉडल नंबर होता है E5CC QXA QX2A SM 800। अच्छा, ये डिजिटल कंट्रोलर है। ये इसके अंदर डिस्प्ले लगा हुआ है। डिस्प्ले जिसमें होता है, ये डिजिटल कंट्रोलर होता है। ठीक है, अब इसके कनेक्शन है, यहाँ पे हम देखते हैं। अब इसी हम पावर सप्लाई हम देखते हैं, सप्लाई कहाँ पर है पावर अप करने के लिए। हमारे पास 11 और 12 ऐसे कनेक्शन है। इस पर लिखा हुआ है हमें 220 के 100 से लेकर 240 तक वोल्ट इसको हम दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हमने इसमें पावर सप्लाई कनेक्ट कर लिए 11 और 12 पे, आप देख सकते हैं। और इसका डिस्प्ले भी आना शुरू हो गया होगा। ये 11 और 12 लिखा हुआ है, 11 12। इसमें यहाँ पे इस पावर सप्लाई का सिंबल बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एरर आ रहा है S.E RR। इसका मतलब ये सेंसर एरर पे है। इसके साथ अभी सेंसर कनेक्ट नहीं है। TC थर्मोकपल या PT 100 इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे, तो उसके हम कनेक्शन बताएंगे आपको और उसके पैरामीटर सेटिंग्स भी आपको बताएंगे। देखें, ये मैंने इसमें PT 100 कनेक्ट कर लिया है। 4, 5 and 6 नंबर पे स्टार्ट है ये। 4, 5 and 6 रेड ब्लैक एंड वाइट हमने कनेक्ट कर लेंगे इसमें। और देखिए, अब हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर पावर अप हो चुका है, ये सेंटीग्रेड में है। ठीक है, और ये PV और SV के बारे में बता दूँ आपको। ये PV का मतलब है प्रीसेट वैल्यू, जो हमारी मेन वैल्यू चल रही है, करंट वैल्यू, उसको प्रीसेट वैल्यू कहते हैं। और ये है SV, मतलब करंट वैल्यू। 223 इसमें हमने सेलेक्ट किया हुआ है, सेट किया हुआ है टेम्परेचर। और 29 अभी चल रहा है इसका करंट टेम्परेचर, और इसकी आउटपुट अभी ऑन है। ये देखें, आउटपुट 1 इसकी ऑन है, तो इट्स मीन टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। और बाकी हम इसके पैरामीटर में जाते हैं। ये पैरामीटर इसको प्रेस करके रखेंगे तो हमारे पास पैरामीटर आ गए। CNT 5 इसका कंट्रोल मोड है। ठीक है, इसको फिर से हम दबाएंगे, प्रेस करेंगे, ये वाला प्रेस करेंगे आगे जाने के लिए। DU आ गया। DU मतलब सेंटीग्रेड पर हमने रखा हुआ है। ये टेम्परेचर हाई पे कौन सी बेट ऑन होगी, 1300 हमने रखा हुआ है टेम्परेचर हाई। और ये टेम्परेचर लो, -200 पे, टेम्परेचर लो पे ये इसकी आउटपुट एक ऑन हो जाएगी। ये कंट्रोल हमने PID रखा हुआ है और स्टैंडर्ड हमने सेटिंग रखी हुई है। बाकी और तो ऑन हम मैनुअल से देख के कर सकते हैं पैरामीटर।